हाँ जी, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस करा कि लाइक रिगार्डिंग व्हाट इज डेरिवेटिव्स, और उसमें मैंने आपको लास्ट में बताया कि चार टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं। तो उसमें से वन ऑफ द टाइप ऑफ डेरिवेटिव जो है वो है ऑप्शन, स्टॉक ऑप्शन। वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। अभी आप समझो क्या होता है ना, कि अगर मान लो आज मेरे को रिलायंस का शेयर परचेस करना है, ठीक है, जो आज ट्रेड हो रहा है 2000 रुपये में, 2000 रुपीज़ में पर शेयर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अभी आप समझो, अगर मैं रिलायंस का शेयर परचेस करता हूँ, मेरे सामने दो डिसएडवांटेज आता है हाथ में। क्या है? पहला तो ये है कि आज ही मेरा मेरा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, 2000 रुपये ब्लॉक हो जाएगा। मैं तो आपको पर शेयर का बोल रहा हूँ, अगर मान लो मेरे को 100 शेयर परचेस करना है तो कितना हो गया, 2 लाख रुपया ब्लॉक हो जाएगा। मैं पर शेयर लेकर पकड़ूंगा, ठीक है ना। तो आज मेरा हाथ में कितना ब्लॉक हो गया, 2000 रुपया आज ही ब्लॉक हो गया। दूसरा क्या डिसएडवांटेज है कि कल को अगर शेयर का दाम गिर गया तो मेरा मोटा नुकसान है ना यार। अगर कल को शेयर का दाम 1500 हो गया तो मेरा 500 खड़े खड़े नुकसान हो जाएगा। तो दो डिसएडवांटेज है। तो इसका एक अल्टरनेटिव आता है, मतलब क्या, ये जो रिस्क से बचने का, इस रिस्क को हेज करने का तरीका क्या है, डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव का वन ऑफ द टाइप जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है ऑप्शन। तो ये ऑप्शन में क्या होता है, ठीक है ना। अभी आप समझो, आपको शेयर नहीं परचेस करना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में चल जाओगे, ठीक है। सपोज मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए को लगता है कि रिलायंस का शेयर का दाम ऊपर जाने वाला है, मिस्टर बी को लगता है कि रिलायंस का शेयर का प्राइस नीचे जाने वाला है, ठीक है। अब मिस्टर और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 3 महीना बाद एक कॉन्ट्रैक्ट होता है 3 महीने का, ठीक है ना, जिसमें ये डिसाइड होगा कि अगर शेयर का दाम 3 महीने बाद अगर ऊपर जाता है तो मिस्टर ए जीत जाएगा, और अगर शेयर का दाम अगर कम होता है तो मिस्टर बी जीत जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में एक पॉइंट आता है, क्या पॉइंट है, वो है प्रीमियम का पॉइंट आता है कि आज जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मिस्टर और मिस्टर बी के बीच में, मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में, मिस्टर ए को आज के डेट में मिस्टर बी को कुछ प्रीमियम देना पड़ता है, कुछ छोटा सा अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। क्योंकि मिस्टर ए क्या कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट परचेस कर रहा है, मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मिस्टर ए को कुछ पैसा देना पड़ता है, छोटा सा अमाउंट होता है, कुछ प्रीमियम अमाउंट होता है जो मिस्टर बी को देना पड़ता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब सपोज 3 महीना बाद शेयर का प्राइस हो जाता है 2500 रुपये, तो यार मिस्टर ए को तो फायदा है, कितने का फायदा है, 500। तो मिस्टर बी 3 महीने बाद मिस्टर ए को 500 रुपये पकड़ा देगा, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर शेयर का दाम अगर कम हो जाता है तब क्या मिस्टर ए क्या पूरा पैसा देगा, 500 रुपये देगा मिस्टर बी को, अगर शेयर का दाम 1500 हो जाता है तो? नहीं, वो कुछ पैसा नहीं देने वाला, मतलब वो ऑप्शंस को एक्सरसाइज ही नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो प्रीमियम ऑलरेडी पेमेंट कर दिया। अब समझो, ये ऑप्शन का यही एक फायदा है कि मतलब आप अपना रिस्क को हेज कर ले रहे हो, आप अपना रिस्क को लिमिटेड कर दिए। आपके पास राइट है कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज करो, आपके पास राइट है कि आप एक ऑप्शन एक्सरसाइज करो, जब शेयर का दाम बढ़ जाएगा आप चल जाओ और मिस्टर बी से पैसा ले लो। लेकिन अगर कल को शेयर का दाम गिर जाता है, आपका ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर शेयर का दाम कम हो जाता है तब आप मत जाओ, आपका मतलब पैसा कितना गया, खाली छोटा सा प्रीमियम जो आपसे लिया गया 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये लिया गया होगा, उतना आपका जाएगा। मतलब आप रिस्क अपना लिमिटेड कर दे रहे हो, लेकिन जो प्रॉफिट है वो आपका अनलिमिटेड हो जाता है, जितना भी जा सकता है। ये एक ऑप्शन का फायदा हो जाता है, ठीक है। अब देखो, ऑप्शन में ना दो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं। जो पार्टी ऑप्शन परचेस कर रहा है वो होता है ऑप्शन होल्डर, जो पार्टी ऑप्शन सेल कर रहा है वो हो गया ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर बोल दो। जैसे इस एग्जांपल में मैंने लिया, मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मिस्टर बी के साथ ना, तो मिस्टर ए हो गया ऑप्शन होल्डर एंड मिस्टर बी हो गया ऑप्शन राइटर। ये किस चीज का बेटिंग था कि यार शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। अब वही अगला एक होता है पुट ऑप्शन, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करा, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला है तब आप ऑप्शन परचेस करते हो, ठीक है, उसको बोलते हो कॉल ऑप्शन। अगर आपको लगता है कि शेयर का प्राइस कम होने वाला तब आप पुट ऑप्शन परचेस करते हो। पुट ऑप्शन में क्या होता है, अगर मान लो मेरे को लगता है कि रिलायंस के शेयर का प्राइस कम होने वाला है तब मैं पुट ऑप्शन परचेस करता हूँ, ठीक है। अगर कल को मान लो शेयर का प्राइस कम हो जाता है तो मैं जीत जाता हूँ, जो डिफरेंस अमाउंट है वो मिस्टर बी मेरे को आगे दे देगा। अगर कल को शेयर का प्राइस ऊपर चल जाता है तो मेरा अच्छा कितना जा रहा है, मैंने जो स्टार्टिंग में जो प्रीमियम दिया था, जो इनिशियली प्रीमियम दिया था, वही जाएगा 100 रुपया, 60 रुपया, 100 रुपया, जितना भी होगा कम से कम, ठीक है ना। बस मेरा रिस्क लिमिटेड हो जाता है। ऑप्शंस का, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का यही फायदा है, ठीक है ना। तो आप क्या करते हो, अपना रिस्क लिमिटेड कर देते हो, लेकिन प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड हो सकता है, ठीक है। हालांकि प्रॉफिट अनलिमिटेड नहीं होता है, इसके लिए भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन आने वाले वीडियोस पे, ठीक है। तो ये होता है ऑप्शंस का फायदा। मैंने आपको क्या बोला, कॉल ऑप्शन होता है। कॉल ऑप्शन मतलब कब होता है, जब आपको लगता है कि शेयर प्राइस ऊपर जाने वाला तब आप ऑप्शन परचेस कर लेते हो। पुट ऑप्शन कब होता है, आपको लगता है कि शेयर प्राइस कम होने वाला, ठीक है, तब आप पुट ऑप्शन परचेस कर लेते हो, जिसमें जिसके लिए आपको क्या देना होता है, प्रीमियम देना होता है, ठीक है। अब मेन चीज,
ये जो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये कौन कराता है? ये स्टॉक एक्सचेंज कराता है, मतलब बीच में जो खड़ा रहता है वो होता है स्टॉक ऑप्शन, मतलब स्टॉक एक्सचेंज। अब आप समझो इस कॉन्ट्रैक्ट को, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अगर शेयर का दाम कल बढ़ गया और मिस्टर बी में मिस्टर ए को पैसा नहीं दे रहा, तो नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कभी कैंसिल नहीं हो सकता। और स्टॉक एक्सचेंज मतलब स्टॉक एक्सचेंज ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है, ठीक है ना, मतलब ये पूरी तरीके से लीगल होता है, आप इसको लाइक तोड़ नहीं सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकते। अगर करोगे तो बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस होता है जो सेबी मिस्टर बी के ऊपर लेगी, ठीक है ना। हालांकि ऑप्शंस में इतना ही कुछ था, मतलब और एडवांस लेवल में भी है, लेकिन मैं अगर अगर आपके साथ अगर डिस्कस करूँगा तो शायद समझना आए, क्योंकि एक आता है शॉर्ट सेलिंग, ठीक है ना। अभी आप समझो ना, मैं मतलब छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। अगर आपको लगता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाने वाला, आप कॉल ऑप्शन परचेस करोगे, ठीक है ना। अगर मान लो कि शेयर का प्राइस ऊपर नहीं जाके नीचे गया, ठीक है, तब तो आपको नुकसान है। आप बोल सकते हो यार प्रीमियम ही तो जा रहा है, 60 रुपये 100 रुपये जा रहा है, लेकिन डेरिवेटिव का तो मेन रीजन ये होता है ना यार, रिस्क को हेज करना, रिस्क को बचाना। ये 100 रुपये जो प्रीमियम दे रहे उसको भी आपको बचाने का आपको आप कोशिश करोगे, ठीक है ना। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप क्या करोगे, वो इस केस का मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट आने वाले वीडियोस पे, क्योंकि उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा शॉर्ट सेलिंग क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि शॉर्ट सेलिंग लेके आने का। आई होप आपको समझ में आया कि कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शंस एक्चुअली क्या होता है। मेरा मेन पर्पस ये था आपको बताने का कि ऑप्शंस क्या होता है, राइट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।